नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई भारत के रईसों के बारे में। जी हाँ, बता दूं वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए 55 लाख रुपए खर्च करके दुबई जा रहे हैं भारत के रईस लोग। जी हाँ, ये न्यूज़ है हकीकत में। आप इस बात का पता लगाना क्या इसमें कितनी सच्चाई है, ये 100% सत्य बात है भाई, ये झूठ बात नहीं है। देखिए भाई, एक तरफ गरीब आदमी जिनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपये का टीका भी वो नहीं लगा सकता। इंडिया में 250 रुपये की वैक्सीन है, वर्ल्ड में सबसे सस्ती वैक्सीन इंडिया में, आप सबको पता ही है। और एक तरफ इंडिया के रईस लोग दुबई में वैक्सीन लगाने के लिए 55 लाख रुपये खर्च करके जा रहे हैं चार्टर्ड फ्लाइट, पर्सनल फ्लाइट से। जी हाँ भाई, पैसा है तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग 500 रुपये आधा लीटर पानी भी पीते हैं, समझ गए, और लोग फ्री में भी पानी पीते हैं। ये डिफरेंस होता है पैसों का, और तो इसमें कुछ नहीं है, पैसों का ही है। जिनके पास ज़्यादा पैसे उनको समझ नहीं आता कि ये पैसे खर्च कैसे करें, और लोग इतने गरीब हैं कि उनको समझ नहीं आता कि दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे करें। ये इंडिया की सच्चाई है भाई। इंडिया का बता दूँ 75% पैसा इंडिया के 2 या 3% लोगों के पास है, और इसी का ये लोग, देखिए सोचने की बात है, ये सच्चाई है। भारत के रईस लोग 55 लाख रुपए में चार्टर्ड पर्सनल फ्लाइट, जिसमें कोई नहीं बैठेगा भाई, हम बैठेंगे, या तो मैं या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे, वही जाएंगे दुबई में और वहाँ वैक्सीन लगा के वापस आएंगे। आपको पता है दुबई में 2 वैक्सीन लगती हैं, टीका दुबई कोरोना का 2 टीका है, इंडिया में 28 दिन के बाद लगेगा, 3 हफ्ते का इसमें टाइम डिफरेंस होता है, दुबई में 3 हफ्ते का फर्क है। जैसे आज लगवा लिया तो 21 दिन बाद में दूसरा डोज लगेगा। तो कुछ तो इंडिया के इतने रईस हैं कि 2 चक्कर लगा रहे हैं, 55 लाख रुपये, 60 लाख रुपये खर्च करके चार्टर्ड फ्लाइट से 2 चक्कर लगा रहे हैं दुबई के, और वहाँ से वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने नाम, उन्होंने बताया, हमारा नाम ने छापने की वजह से उन्होंने बताया कि दुबई की जो वैक्सीन है वो भरोसेमंद है, इस वजह से हम वहाँ जाके ये वैक्सीन लगा के आ रहे हैं। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं ये ट्रेड कब से शुरू हुआ। ये मार्च से शुरू हुआ भाई, मार्च में बता दूँ, मार्च से वीई ने, जो बाहर के रेजिडेंशियल वीज़ा धारक थे जिनका बिजनेस है वीई में, काफ़ी करोड़पति आदमी हैं, सबको, उनको बाहर के देशों को अनुमति दे दी थी लोगों को, इस वजह से ये लोग वहाँ टीका लगवा के आ रहे हैं। जी हाँ, अप्रैल में इस मामले में तेज़ी इसलिए आ गई कि भारत में कोरोना के आंकड़े बढ़ चुके हैं, आपको सबको पता है, इस वजह से चार्टर्ड फ्लाइट लेके लोग टीका लगवा के आ रहे हैं। कई रईस तो ऐसे कि वो वहां 20 दिन रुक रहे हैं होटल में, यहां से फ्लाइट से गए, वहां रुक गए, एक टीका लगवा लिया, 20 दिन रुक गए, फिर दूसरा टीका लगवा के फिर इंडिया आ रहे हैं। कुछ रईस उससे भी ज्यादा हैं जो एक टीका लगवा के वापस आ रहे हैं, 20 दिन बाद में दोबारा जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। जी हां, हालांकि दुबई में फाइजर एक वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा WHO या फिर लोग इसको विश्वास करते हैं, फाइजर वैक्सीन भी ज़्यादा माने, लोग इसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं फाइजर वैक्सीन को। जी हाँ, और वीई में एक एस्ट्राजेनिका भी जो कोविड टीका है वो भी अवेलेबल है, साइनोफार्म, ये भी अवेलेबल वैक्सीन है दुबई में। हालांकि दुबई में एक डॉक्टर का बयान भी जारी हुआ था कि दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन हमारे पास है। अब इसमें कितनी सच्चाई है भाई, ये तो मेडिकल रिसर्च का WHO का काम रहेगा, हमारा काम नहीं है। बाकी मैंने, मुझे आपको यही बताना था कि इंडिया के रईस वैक्सीन लगाने 55 लाख खर्च करके दुबई जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया में ये स्थिति है कि लोगों को वैक्सीन तो क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये है देखिए गरीबी और अमीरी का फर्क। इंडिया में कल की डेट में काफ़ी लोगों की मौत हो गई जिनको जो ऑक्सीजन नहीं मिली, रोड पे तड़प तड़प के मर गए। अखबार में भी आज आई थी कि 4 घंटे बंदे तड़प तड़प के मर रहे थे, कोई वैक्सीन मिल जाती तो बच सकते थे। एक तरफ 55 लाख खर्च करके दुबई जा रहे हैं, ये इंडिया की है, देखिए इतना डिफरेंस है गरीबी में अमीरी में, और ये ज़िंदगी में कभी फाट नहीं सकता। बस ये डिटेल देनी थी भाई। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।